बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा साह। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने युद्ध की विभीषिका के कारण यूक्रेन से स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों की पढ़ाई की निरंतरता सुनिश्चित करने की केंद्र और बिहार सरकार से मांग की है। श्री सिंह ने आज यूक्रेन में स्वदेश लौटे औरंगाबाद के मेडिकल छात्रों से अपनी स्थानीय आवास पर मुलाकात के बाद कहा कि इन छात्रों ने अपनी समस्याओं से विस्तार से अवगत कराया है। इन छात्रों के समक्ष आगे की पढ़ाई की राह में रुकावटें आ गई है। इन छात्रों का डॉक्टर बनने की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। इनके अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। इन छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इसके लिए वो हर मुमकिन और हर स्तर पर पहल करेंगे और कहा कि बंगाल और कुछ अन्य राज्यों की सरकारों ने यूक्रेन से लौटे अपने राज्य के मेडिकल छात्रों की अपने खर्च पर आगे की पढ़ाई और इंटर्नशिप कराने की सहमति दी है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्यों की सरकारें अपनी यहां के छात्रों के लिए इस तरह की पहल कर सकती है तो इसके लिए बिहार सरकार को भी आगे आना चाहिए। वो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में यूक्रेन से लौटे बिहार के छात्रों को संबंधित सेमेस्टर या वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन सुनिश्चित करे। वो केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल छात्रों के देश के मेडिकल कॉलेजों में सीधे नामांकन में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए अपने स्तर से पहल कर इनके एडमिशन का मार्ग प्रशस्त करे। वहीं यूक्रेन से स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों सौरभ कुमार, अमित कुमार, अनिमेश कुमार, चंद्रशेखर पांडे एवं पवन कुमार ने बताया कि स्वदेश वापसी के बाद वो खुद को सुरक्षित महसूस तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है। भारत आने के बाद उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। यूक्रेन में अभी युद्ध समाप्त होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। उनकी राज्य सरकार से मांग है कि जिस तरह कुछ राज्यों की सरकारें यूक्रेन से लौटे अपने छात्रों की आगे की पढ़ाई कराने जा रही है, उसी तरह बिहार सरकार भी राज्य के मेडिकल कॉलेजों में उनका नामांकन कराकर यश का भागीदारी बने। गौरतलब है कि इन छात्रों ने कुछ दिन पहले औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल से भी मुलाकात कर अपनी समस्या बताई थी। उन्हें मांग पत्र सौंप कर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन कराने की पहल करने की मांग की थी। इसके बाद रविवार को इन छात्रों ने सांसद से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई। सांसद ने छात्रों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अपने यूक्रेन वाले मैटर पे आए हैं कि वहाँ अभी युद्ध चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई बाधित हो रहा है, तो वही हम लोग सर से विचार प्रकट करने आए कि सर हम लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाए, हम लोग का कुछ किया जाए क्लिनिकल और थियोरेटिकल जो भी है, क्योंकि हमारी पढ़ाई अभी तो वहाँ युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, तो हम लोग वही सर से आग्रह करने आए हैं कि हमारी बात को पहुँचाया जाए NMC तक। मांग है कि सर यहाँ हम जब तक हैं हम लोग यहाँ तब तक यहाँ हमारे लिए व्यवस्था किया जाए, पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए। हम लोग यूक्रेन से आए हैं तो उसके बाद फिर आगे का यहाँ पढ़ाई करने के लिए सर से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे का पढ़ाई का जो भी हो फ्यूचर का सर यहाँ कहीं बात करके आगे अरेंज कर रहे हैं हम लोग के लिए। हमारे ज़िले औरंगाबाद के 5 बच्चे उससे मिलने आए और इन लोगों की तरफ से एक मांग है, एक प्रस्ताव है कि आगे की पढ़ाई इनकी अपने राज्य में किसी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज में हो। मैं इनकी मांग का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये लिखित निवेदन करूंगा कि इन बच्चों की आगे की पढ़ाई अपने राज्य के ही किसी मेडिकल कॉलेज में हो, साथ साथ इन बच्चों के मेडिकल की पढ़ाई का जो खर्चा है वो भी सरकार उठाए। ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो इसी राज्य या देश के अंदर सेवा करेंगे, समाज को अपनी सेवा देंगे। ये बच्चे हमारे समाज के एसेट हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु इनकी आगे की पढ़ाई, इनका करियर अच्छा हो, इसकी चिंता सरकार एक अभिभावक के रूप में करे और इनकी पढ़ाई की आगे की पढ़ाई पूरी हो, मेडिकल की शिक्षा इसकी पूरी व्यवस्था करे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।